आज्ञा मिली हमारे बड़े भैया मेरे बाबा विशाल मिश्र जी की, रवि भैया का साथ, सुप्रीमचित्र भैया, आप सब मेरे किशन भैया दीदी सामने बैठी है। एक प्रार्थना पर सभी यहाँ, वास्तविक परिवार हमारा यही है, वास्तविक परिवार यही है। आज रामेश्वर भैया वो सहजता थी उनमें, ठाकुर जी को चाहने वाले यहाँ पर भीड़ों की भीड़ है, किशोरी जी को चाहने वालों की भीड़ों की भीड़ है, लेकिन भजन उसी का सार्थक है। इनकी भक्ति क्या थी, हम जैसे छोटे छोटे बच्चे जब आए तो उंगली पकड़ के भैया याद है फतेहाबाद में लेकर आए थे। ठाकुर जी की भक्ति करना, ठाकुर जी को चाहना बड़ा आसान है, लेकिन उनके चाहने वालों को चाहना बड़ा मुश्किल कर रहे थे। मैं बरसाने गई तो मेरे को बरसाने के संत ने एक बात बोली, बोले हमारे श्री जी इतनी कोमल है, इतना कोमल हृदय उनका कि आप जीवन में बड़े से बड़े गुनाहों का बोझ ले जाकर उनके चरणों में रख दो, सब स्वीकार है। आत्मचिंतन करना चाहिए, हम भजन करें ना करें, लेकिन हमें दिन में कम से कम 10 बार 100 बार आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या जा आज हम बैठे हैं उतनी हमारी औकात थी। स्वयं पवन सुत हनुमान सुंदरकांड में आता है, उन्होंने भी आत्मचिंतन किया, जब सबने सराहना की कि आपने लंका को जला दिया तो कहने लगे महाराज जी क्या बात करते हो, तुमने सुना नहीं शायद प्रात लेत जो नाम तुम्हारा। ये आत्मचिंतन है, सब जानते हैं, लेकिन एक बात याद रहे, आत्मचिंतन करो, श्री जी के सामने जाओ। उन संत ने एक ही आज्ञा दी जो मैं हर मंच से बोलती हूँ, आत्मचिंतन करो, समर्पण करो, सब कुछ पसंद है, आपके गुनाहों को भी पसंद करेगी, लेकिन अगर पसंद नहीं है तो किशोरी जी को नाटक पसंद नहीं है। आत्मचिंतन ही तो आज हमारी दीदी हमें ये रसिक जन वो शब्द देते हैं, हमारी अपनी कोई औकात नहीं, लेकिन आओ इन्हीं संतों की रसिकों की जूठन पाकर मैं आज बैठी हूँ। हिम्मत नहीं है इन सबके आगे बढ़ने की, पर इन्हीं का आशीर्वाद लेकर भैया की ये बात, आज वो शरीर से चाहे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ऐसे रसिक जन इन्हीं ब्रज की गलियों में डोलते हुए कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। और वैसे भी भैया हमेशा यही कहा करते थे, श्री राधे हम तेरे शहर में सबके लिए मार्गदर्शन किया कि ये एक गजल है गुलाम अली साहब की, और जब ये भैया के मुख के निकले शब्द हैं, जब ये श्री जी के चरणों में अर्पण हुई तो ये भजन बन गई। ऐसे ही आप अपना जीवन श्री जी के चरणों में दे दोगे तो आपका जीवन भी भजनीय तो बन जाएगा। हम तेरे आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में
की सेवा करते हैं। इतने ही भाग लेकर क्योंकि समय की मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए। नदी अपनी मर्यादा में रह तो सही है, बाहर आए तो बाढ़ का रूप ले लेती है। और सिर्फ माइक वालों को ही अधिकार नहीं है, आप सबको भी अधिकार है भैया के चरणों में अपने भाव रखने का। और सहज सरल नाम सभी दोनों हाथ उठा के राधा नाम दीजिए। हमारी सर्वस्व धन श्री